की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। साथियों, आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बनकर के उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आस पास के पर्वतों जितनी अटल है। आज आपके बीच आकर मैं इसे महसूस कर रहा हूं, साक्षात अपनी आंखों से इसे देख रहा। साथियों, जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो एक अटूट विश्वास है। सिर्फ मुझे नहीं, पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिंत भी है। आप जब सरहद पर डटे हैं तो यही बात प्रत्येक देशवासी को देश के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण, आपके त्याग बलिदान पुरुषार्थ के कारण और मजबूत होता है। और अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। और मैं मेरे सामने महिला फौजियों को भी देख रहा हूं। युद्ध के मैदान में, सीमा पर ये दर्श अपने आप को प्रेरणा देता है। साथियों, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से
आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनमें पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, देश के हर कोने के वीर अपना शौर्य दिखाते थे। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। आज हर देशवासी का सिर आपके सामने, अपने देश के वीर सैनिकों के सामने आदरपूर्वक नतमस्तक होकर के नमन करता है। आज हर भारतीय की छाती आपकी वीरता और पराक्रम से फूली हुई है। साथियों, सिंधु के आशीर्वाद से ये धरती पुण्य हुई है। वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की गाथाओं को ये धरती अपने आप में समेटे हुए है। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियां से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। 14 कोर की जांबाजी के किस्से तो हर तरफ है। दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है, जाना है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही है और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर, आपकी फायर भी देखी है और आपकी फ्यूरी भी। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है ये भूमि। भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। इस धरती ने कुशक बकुला रिंपोचे जैसे महान राष्ट्रभक्त देश को दिए हैं। ये रिंपोचे जी ही उन्हीं के कारण जिन्होंने दुश्मन के नापाक इरादों में स्थानीय लोगों को लामबंद किया। रिंपोचे की अगुवाई में यहां अलगाव पैदा करने की हर साजिश को लद्दाख की राष्ट्रभक्त जनता ने नाकाम किया। ये उन्हीं के प्रेरक प्रयासों का परिणाम था कि देश को, भारतीय सेना को लद्दाख स्काउट नाम से इन्फेंट्री रेजिमेंट बनाने का प्रेरणा मिली। आज लद्दाख के लोग हर स्तर पर, चाहे वो सेना हो या सामान्य नागरिक के कर्तव्य हो, राष्ट्र को सशक्त करने के लिए
अद्भुत योगदान दे रहे हैं। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है खड़गेन आक्रम्य वंजित, खड़गेन आक्रम्य वंजित, वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है, इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है, ये सामर्थ्य और ये संकल्प में इस समय आपकी आंखों में मैं देख सकता हूं, आपके चेहरों पर ये साफ साफ नजर आता है। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम, और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। साथियों, राष्ट्र की, दुनिया की, मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता, कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता, वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है, तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है, दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं, तो उसके पीछे की भावना भी यही है। भारत अगर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से कर रहा है, तो उसके पीछे का संदेश भी यही है। विश्व युद्ध को अगर हम याद करें, विश्व युद्ध हो या फिर शांति की बात, जब भी जरूरत पड़ी है, विश्व ने हमारे वीरों का पराक्रम भी देखा है और विश्व शांति के उनके प्रयासों को महसूस भी किया है। हमने हमेशा मानवता की, इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम किया है, जीवन खपाया है। आप सभी भारत के इसी लक्ष्य को, भारत की इसी परंपरा को, भारत की इस महान संस्कृति को
स्थापित करने वाले अगवा लीडर हो। साथियों, महान संत तिरुवल्लुवर जी ने सैकड़ों वर्ष पूर्व कहा था, मारामाणम मांडह वड़ी चेलव तेतुम येना नानगे येमम पढ़ाई कहा, यानी शौर्य सम्मान मर्यादापूर्ण व्यवहार की परंपरा और विश्वसनीयता, ये चार गुण किसी भी देश की सेना का प्रतिबिंब होते हैं। भारत की सेनाएं हमेशा से इसी मार्ग पर चली है। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है, ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हो हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। आज विश्व विकासवाद को समर्पित है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत कर रहा है। साथियों, जब जब मैं राष्ट्र रक्षा से जुड़े किसी निर्णय के बारे में सोचता हूं, तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूं। जब भी मैं राष्ट्र रक्षा के विषय में सोचता हूं, तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूं। पहली हम सभी की भारत माता। जब मैं दो माताओं का स्मरण करता हूं, पहली हम सभी की भारत माता और दूसरी वे वीर माताएं, जिन्होंने आप जैसे पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है। मैं उन दो माताओं का स्मरण करता हूं। मेरे निर्णय की कसौटी यही है, इसी कसौटी पर चलते हुए आपके सम्मान, आपके परिवार के सम्मान और भारत माता की सुरक्षा को देश सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। सेनाओं के लिए आधुनिक हथियार हो या आपके लिए जरूरी
साजो सामान, इन सभी पर हम बहुत ध्यान देते रहे हैं। अब देश में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करीब करीब 3 गुना कर दिया गया है। इससे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट और सीमा पर सड़कें पुल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा लाभ यह भी हुआ है कि अब आप तक सामान भी कम समय में पहुंचता है। साथियों, सेनाओं में बेहतर समन्वय के लिए लंबे समय से जिसकी आशा थी, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का गठन करने की बात हो या फिर नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण, वन रैंक वन पेंशन का फैसला हो या फिर आपके परिवार की देखरेख से लेकर शिक्षा तक की सही व्यवस्था के लिए लगातार काम, देश आज हर स्तर पर अपनी सेनाओं और सैनिकों को मजबूत कर रहा है। साथियों, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, साहस का संबंध प्रतिबद्धता से है, कन्विक्शन से है। साहस करुणा है, साहस कंपेशन है। साहस वो है जो हमें निर्भीक और अड़िग होकर सत्य के पक्ष में खड़े होना सिखाए। साहस वो है जो हमें सही को सही कहने और करने की ऊर्जा देता है। साथियों, देश के वीर सपूतों ने गलवान घाटी में जो अदम्य साहस दिखाया, वो पराक्रम की पराकाष्ठा है। देश को आप पर गर्व है, आप पर नाज है। आपके साथ ही हमारे आईटीबीपी के जवान हो, बीएसएफ के साथी हो, हमारे बीआरओ और दूसरे संगठनों के जवान हो, मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, इंजीनियर हो, श्रमिक हो, आप सभी अद्भुत काम कर रहे हैं। हर कोई कंधे से कंधा मिलाकर मां भारती की रक्षा के लिए, मां भारती की सेवा में समर्पित है। आज आप सभी की मेहनत से देश अनेक आपदाओं से एक साथ और पूरी दृढ़ता से लड़ रहा है। आप सभी से प्रेरणा लेते हुए हम मिलकर हर चुनौती पर, मुश्किल से मुश्किल चुनौती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं, विजय प्राप्त करते रहेंगे। जिस भारत के सामने और हम सबने
जिस भारत के सपने को लेकर और विशेष रूप से आप सब सरहद पर देश की रक्षा कर रहे हैं, हम उस सपने का भारत बनाने के लिए, आपके सपनों का भारत बनाने के लिए 130 करोड़ देशवासी भी पीछे नहीं रहेंगे, ये मैं आज आपको विश्वास दिलाने आया हूं। हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, बना करके ही रहेंगे। और आपसे प्रेरणा जब मिलती है तो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी और ताकतवर हो जाता है। मैं फिर एक बार आप सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।